क्या आप जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी तक पहुंचने के लिए मानवीय रूप से कितनी आवर्त सारणियां तैयार की गई? जानते हो सबसे पहले किसने यह सारणी बनाई? बिल्कुल सही, ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि योहान वुल्फगैंग डोब्राइनर, एक जर्मन रसायनज्ञ जिन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया। डोब्राइनर ने देखा कि तत्वों के गुणों में कुछ प्रकार की समानताएं हैं। उन्होंने कुछ तत्वों को तीन तीन के समूहों में वर्गीकृत किया जिन्हें त्रिक कहा। जब इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर था। उदाहरण के तौर पर त्रिक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान क्लोरीन और आयोडीन का औसत परमाणु द्रव्यमान है, अर्थात 35.5 प्लस 127 अपॉन 2 इक्वल्स टू 81। हालांकि केवल सीमित संख्या में ही तत्वों को त्रिक समूह में रखा जा सकता था। उदाहरण के लिए कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। इसलिए त्रिक के रूप में तत्वों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। सारांश, हमने सीखा कि कैसे डोब्राइनर ने कुछ तत्वों को तीन तीन के समूहों में वर्गीकृत किया जिन्हें त्रिक कहा। हालांकि केवल सीमित संख्या में ही तत्वों को त्रिक समूह में रखा जा सकता था और इसलिए त्रिक के रूप में तत्वों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। क्या आपको संगीत पसंद है? वैसे किसे नहीं। वास्तव में संगीत और तत्वों के वर्गीकरण के बीच संबंध होता है। इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। Keep imbibing. We believe in you.